जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ईद के रोज़ मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी। इसमें मैं जो है अपना सारा नीचे का फ्लोर कवर करूँगी। अभी तक मैंने आपको जो है अपना जो है ऊपर के फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखाया, मैंने जो है फलक का रूम दिखाया और टीवी रूम दिखाया और घर के और भी छोटी छोटी जो भी स्पेसेस हैं वो दिखाई मैंने आपको। तो अभी जो है मूविंग डाउन स्टेयर्स, यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे और मैं आपको सब कुछ दिखाती जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आई एम क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो है वॉल पे कुछ ब्यूटीफुल सी फ्लोरल सीनरीज लगा रखी हैं और नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे एक विंडो है जिसके ऊपर मैंने इस तरह का एक कर्टन लगा रखा है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे मैंने एक की होल्डर दे रखा है लाइक दिस। फिर हेयर कम्स स्ट्रेट अवे माय डाइनिंग एरिया। ये देखिए आप लोग, और सीढ़ी के नीचे जो है जो एम्प्टी स्पेस रहती है उसमें मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। देन हेयर इज़ अ स्मॉल वॉश बेसिन। देन अ डाइनिंग टेबल इज़ केप्ट ओवर हेयर। और यहाँ पे मैंने एक हैंगिंग लाइट सेंटर में दे रखी है और डाइनिंग टेबल के मैंने एक ऊपर एक ब्यूटीफुल सा क्लॉथ कवर लगा रखा है। और ये जो भी मैंने डेलिकेसीज बनाई हैं फॉर ईद, मैंने सेवई बनाई है, मैंने छोला बनाया है, मैंने दही बड़ा बनाया है। और यहाँ पे हमारा किचन है। किचन तो मेरा आप बहुत बार देख चुके हैं, सो आई नीड नॉट फोकस ऑन दिस एरिया। सो ये मेरा किचन का एरिया है। यहाँ पे एक माइक्रोवेव है और ये सारे कैबिनेट्स हैं। और पीछे जो है वो मेरा जो है सिंक लगा हुआ है जहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश किए जाते हैं। सिंक को मैंने थोड़ा सा सेपरेट लगाया है जिससे कि किचन जो है थोड़ा सा क्लीन रहे। ये इज़ अ चिमनी एंड देन ये हमारा गेस्ट रूम है। इनिशियली इसमें मेरे सास ससुर रहते थे, माई लॉज यूज टू स्टे इन दिस रूम। नाउ इट इज़ वो लोग यहाँ पे नहीं है, सो दिस रूम इज़ बेसिकली एम्प्टी। गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो इसी में रुकते हैं एंड देर इज़ अ अटैच टॉयलेट टू इट। And coming out of this room, here comes my drawing room. ये देखिए। So now I'm entering my drawing room. ये मेरा drawing room है। ये हमारी main wall है जिसके ऊपर मैंने एक एक ब्यूटीफुल सी लाइट लगा रखी है एंड देन मैंने एक दीवान लगा रखा है। उसको मैंने जो है कुशन से डेकोरेट कर रखा है एंड इन द कॉर्नर देयर इज़ अ शेल्फ एंड देन अ स्मॉल प्लांट। हैंगिंग लाइट इज़ ऑल्सो देयर एंड देन वी हैव दिस अ लाविश सोफ़ा सेट जिसमें कि आराम से 15 लोग बैठ सकते हैं। वाइल वी वर परचेजिंग दिस सोफ़ा, हमारे दिमाग में हमेशा ये था कि हमें एक ऐसा सोफ़ा चाहिए जिसपे कि काफ़ी लोग अकोमोडेट कर सकें। ऐसा अक्सर होता है कि घर में जब हमारे गेस्ट आते हैं तो सीटिंग एरिया कम पड़ जाता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सोफ़े को लिया है
एंड इट फिट्स वेरी वेल इन माई ड्राॅइंग रूम. काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते, तारीफ़ करते सोफ़े के लिए. देन हेयर अगेन कुछ इंडोर प्लांटर्स को मैंने घर के अंदर रखा हुआ है. एंड यहाँ पे भी कुछ शेल्फ लगाई हुई हैं जिसके ऊपर कुछ सिरामिक पॉट्स, कुछ लैंटर्न्स, यू नो, ट्राइंग टू गिव अ वेरी सूदिंग लुक टू माई ड्राॅइंग रूम. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट. आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, मेरा घर कैसा लग रहा है. और अगर आप मुझे कुछ कमेंट करके कुछ सजेशंस भी देना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम्ड. लुक, फलक इज़ रनिंग अवे. से ईद मुबारक टू द व्यूअर्स. सो गाइस, आज मैं बहुत बिज़ी हूँ लेकिन तब भी मैंने अपने हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला है. एंड यस, नॉट टू फॉरगेट अबाउट दिस वॉलपेपर जो कि मैंने बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में मैंने जो है अमेज़न से परचेज़ किया है जस्ट टू कवर दिस सीपेज अगेन. यहाँ पे वॉल बहुत ही ख़राब हो रही थी तो पेंटिंग इज़ नॉट इकोनॉमिकल ऑल द टाइम. और हर छोटी छोटी एरिया के लिए हम लोग हमेशा पेंटिंग नहीं करवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट एज वेल. सो मैंने इसको जो है पूरी तरह से कैमोफ्लेज करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉलपेपर एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग दिस एरिया वेरी वेल. क्रीम कलर का अच्छा सा लुक आया है. यहाँ पे पीवीसी शीट्स मैंने यहाँ पे अपने दिस डाइनिंग एरिया में भी पूरी लगवा रखी हैं. लुक लाइक दिस. सो ये पीवीसी शीट्स जो है ये एक अच्छा लुक भी देती हैं, प्लस जो है घर में अगर आपके सीपेज वगैरह है तो उसको अच्छे से कवर कर लेती हैं. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, मेरे घर का होम टूर आपको कैसा लगा? आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. हमारे शॉर्ट्स को जो है थाउजेंड्स में व्यूज़ मिल रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग. और टॉकिंग अबाउट आर टूडेज अटायर, हम तीनों माँ बेटी ने सेम ड्रेस आज पहनी हुई है जिसका मैं शॉर्ट बना के ज़रूर डालूँगी. और आपकी ईद कैसी गई, इस बार आपने क्या स्पेशल किया? एंड सिंस दिस इज़ अ कोरोना फ्री टाइम, लाइक कोरोना का इतना ज़्यादा फियर इस टाइम नहीं है तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. और इंशाल्लाह यही दुआ है कि हमेशा हम लोग इसी तरह से अच्छे से सेलिब्रेट करते रहें. और वन थिंग नॉट टू फॉरगेट कि सिंस माई सेलर इज़ नॉट हेयर तो मेरी ईद तो हमेशा इसी तरह से अधूरी रहती है. मेरे लिए ईद का वही दिन होता है जब मेरा सेलर घर वापस आता है. और लेकिन ये है कि ये खुशी बच्चों के लिए मुझे ज़रूर मनानी पड़ती है, अल्लाह की खुशनूदगी के लिए भी मनाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सारी खुशियाँ अधूरी हैं मेरे हस्बैंड के बिना. और यही जो है एक सेलर की फैमिली की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो फेस्टिवल्स पे नहीं रहते हैं. सो एनीवेज, आप अपनी ईद अच्छे से मनाइए एंड सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. अनटिल देन, बाय एंड कीप जॉइनिंग द सेलर्स फैमिली.